हेलो दोस्तों, मैं हूं कैंपिंग ट्रैवलर इंडिया और ये है मेरा गांव मेरा देश सीरीज उत्तर प्रदेश का एपिसोड नंबर 5। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले एपिसोड में मैं आपको अपने गांव लेकर गया था, आज के इस एपिसोड का ही दूसरा हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं। जब मैं भोपाल के घर उन्हें बाय करके निकल ही रहा था तो मुझे मिले मेरे एक और पुराने दोस्त जिनका नाम विनय है। क्या ले विनय? हाँ भाई, और बताओ ठीक ठाक? क्या बोला मास्टर? क्या बात है मास्टर जी, पढ़ा कर रहे थे पार्ला। अच्छा, तो तब से मास्टर जी नाम पड़ा हुआ है। फोटो खींच रहा है? हाँ फोटो खींच रहा हूँ। लोग अभी भी पढ़ा रहे हो क्या? सही काम चल रहा है। नमस्ते जी, क्या हाल है भाई? दुनिया बदल गई है। और बताओ जी, ठीक ठाक? दिन नहीं, सालों बाद मैं देख रहा था। 2005 या 6 में आया था पिछली बार में। हाँ तो चेहरे थे ना वहाँ पे। हाँ हाँ, और यंग है मुखिया का जो पूरा भाव था वहाँ से पूरा। हाँ हाँ, वहाँ तक बसासत होगी। हाँ तो इतना भी नहीं बड़ा भाई, इधर जो खेत थे इधर कलोरी कट गई है, इधर को विस्तार कर गया, इधर को नहीं बढ़ा। बस समय के साथ साथ विस्तार का पता नहीं मेरे को फैला कितना गाँव, लेकिन डिवाइड जरूर हो गया है ना, हिस्सेदारी बढ़ गई गाँव में। पर ठीक है, अपना ही मजा है, अलग अपना रख। लेकिन विस्तार तो हुआ ना। तो कविता की शादी कहाँ की थी? बसेडा। और लता? रुआना। और एक और थी ना बीच में हमारी बहन, वो कौन से थे? नीता। जब मैं पिछली बार आया था तब सिर्फ कविता की शादी नहीं हुई थी, बाकी सबकी दोनों की हो चुकी थी। मिले उनको? हाँ। नमस्ते जी। अरे पिछड़ा आया था, कौन बता? ये बताओ, पहचान कर बता। हैं? बताओ बताओ। और क्या नज़र है? किसने बताया होगा? अरे बता के ना, रस्ते में किसने बताया ना? मुझे बताता कमी का रहा। हाँ नरेश ने बताया था, मैं नरेश को मिला ना पहले, है ना? नरेश ने नहीं बताया। अच्छा फिर किसने बताया? सुंदरी। अच्छा सुंदरी कौन? अमरीश का, रघुवीर है अमरीश के वहाँ पे। हाँ बैठा हुआ तो। हाँ सबसे पहले वही टकराया मेरे को गाँव में घुसते ही। ठीक ठाक। हाँ बिल्कुल। से देखो जी, बुढ़ापे में किसी को भी कहीं लेके जाना मतलब कार करके जाओ, मेरे तो साइकिल पे तो आएंगे नहीं। और मेरी माँ बड़ी कंजूस है, मैं फिर भी गाड़ी हायर करके दे दूँ कि चलो गाड़ी में चले आप, वो कहती नहीं पैसे बड़े खर्च हो जाएंगे, मैं नहीं जाऊँगी। अनुज सर क्या काम कर रहे हैं? अनुज तो मेरे साथ ही काम कर रहे हैं, हम दोनों एक ही कंपनी चला रहे हैं। जोनी का अपना अलग काम है, वो अलग है, उसकी शादी होगी है। हाँ भी आ सकते हो। रीना जी ऑस्ट्रेलिया चली गई। ऑस्ट्रेलिया? हाँ क्यों खुद का? देखो जी, आपने बोला ब्याह हो गया, मैंने आपका दिल रखने के लिए बोल दिया हाँ हो गया। सच्चाई तो ये है कि मैंने ब्याह किया नहीं है, मैं अभी भी आज़ाद पंछी हूँ, जहाँ मर्जी उड़ के चला जाता हूँ। जो नहीं करा भी मन नहीं करा, जो नहीं का हो गया था वो। किसी ने आपको झूठ बोला? किसी ने झूठ बोला? देखो मैं तो झूठ नहीं बोलता, मैं तो बस दिल रखने के लिए कई बार हाँ में हाँ मिला देता हूँ। चलो जी बाय। और ये गुल्लर का पेड़ अभी भी है? सही है। और यहाँ तुंती का पेड़ होता था, निसोड़े का पेड़, तुंती का पेड़। निसोड़े का तो खड़ा है यार, कितने निसोड़े खाए हमने इसके। हाँ, ये निसोड़े का तो है। हाँ।
यहाँ पे होता है तुलसी का पेड़ तो शुरू में हाँ काट भैया लगता है हाँ सीरस का पेड़ था हाँ हो और ये गुल्लर का पेड़ ये गुल्लर का ये उनका घेर है बिट्टू और का है ना ये तो बिट्टू का यहाँ पड़ी थी ना ये मकान बना लिया उसने अच्छा हाँ वो बिट्टू अर्जुन को पल्ली तरफ हाँ अर्जुन को पल्ली साइड है अच्छा जी हाँ ये सुरेंद्र तो पैसे दीवार तो पल्ली साइड है हाँ बाग ये था कि बाग आगे था ये तो लग नहीं रहा बाग ये मतलब आम के पेड़ कहाँ गए इसमें से सब कटवा दिए जा अच्छा सारे पेड़ कट गए हम पील पलौवा खेलते थे कहाँ पे इस गुल्लर के पेड़ पे या आम के पेड़ पे पील पलौवा जब खेलते थे इस गुल्लर के पेड़ पे खेलते थे कहाँ थे गुल्लर पे खेले जाते हैं हाँ इसी पे खेलते थे तुमने नहीं खेला शायद तुम तो शरीफ लोग थे हम बड़े थे कुछ खेले थे अच्छा हम खेलते थे छोटे हम छोटे बच्चे पील पलौवा खेलते मंदिर है अच्छा बंदी कर दिया अब उधर से ही जा सकते हो इधर से जा ही नहीं सकते हमारा भी छोटा सा होता था यहाँ पे टुकड़ा ये थारा युग का हाँ ये वाला ना मतलब वो था उसका बल क्या नाम उसका भोपाल का पहले भोपाल का था फिर ये था और यहाँ पे वो झोपड़ी बना रखी थी प्यारे के लिए प्यारा था कौन था वो साधु महात्मा था एक बार हाँ एक तो जल के भी मर गया था ना उसमें हुआ था कुछ ऐसा रहता हूँ याद है तेरे हाँ कुछ कहानी याद है मुझे तो जो मार पे छू याद है उन्होंने कहा मैं अन्न नहीं खाता उनका कहा मैं अन्न नहीं खाता भूख लगा कर सब्जी खा कर था वो सब्जी सिर्फ सब्जी खाता था रोटी नहीं खाता हाँ रोटी नहीं खाता वो तो ये झोपड़ी के रखी थी शानी के टाइम जाकर प्रार्थना सी करवा करता वो अच्छा और छोंक लगा उसको ढूंढने पर अच्छा तो ढूंढने पर छोंक लगा था वजह उसमें छोंक उठा वो तो झोपड़ी में लग गया तो मरा तो नहीं था ना वो लिक्विड को भाग गया था सारी और मुझे एक कहानी याद है झोपड़ी में आग लग गई थी और मैं खुद उस झोपड़ी के अंदर था तो सब लोग तो पानी लेने के लिए भागे और फिर चाचा जी को याद आया मेरे कि अमित कहाँ है यही तो खेल रहा था देखो अंदर बैठा हुआ है तो ये इस जगह पे वो झोपड़ी हुआ करती थी यहाँ थी इस तरफ मुझे याद है थोड़ा सा ये जगह खाली थी यहाँ झोपड़ी बना रखी थी साधु के लिए और उस झोपड़ी के अंदर मैं था तो आग लग गई और मैं छोटा सा था अंदर ही खेल रहा था उस वक्त ये जोर तो खत्म ही हो गया जरा देखें एक बार पहले कितना नहाते थे हम याद है तुम्हारा तो नहीं पता पर मैं तो बड़ा नहाता था यार हाँ अभी भी है गहरा है अच्छा यहाँ से हम पानी में घुसते थे है ना यही रास्ता कच्चा रास्ता जाता था गोहर और थोड़ा ज्यादा गहरा लग रहा है तो पानी भरता है इसमें अभी अपनी आता पहला हो जाएगा बारिश के दिनों में तो ये पूरा भर जाता एक बार की बात है चाहे यहाँ पे सब नहा रहे थे सब और मैं उधर चला गया वहाँ पे मैं क्या मैं अलग जगह नहाऊंगा वहाँ जाके इसे खुदाई की होगी किसी ने गहरा खड्डा और मैं तो ग्रुप डुबकी लग गई अंदर नाक में पानी भर गया मेरे तो अब मुझे लगा अब गया अब मैं नहीं बचने वाला पता नहीं कैसे करके एक पेड़ था उसकी टहनी मेरे हाथ में नहीं आई और मैं निकल आया वरना मैंने उस दिन ख़त्म हो जाना था डूब जाना था पेड़ पे चढ़ के हम छलांग लगाते थे कौन सा पेड़ था वो याद है इधर एक पेड़ लगा हुआ था उस पर चढ़ के पानी में कूदते थे हाँ सीरस का पेड़ था उसकी एक टहनी आगे को झुकी हुई थी हाँ ये तो पानी नहीं काटा है पानी बह के जाता है यहाँ से मुझे लगा था जोड़ खत्म कर दिया लोगों ने पर है बचा हुआ अभी अभी मैं जाऊँगा गंगोली वाली तरफ से मैं गंगोली का रूट पकड़ूंगा देता बाग वाले देता के पास से होता हुआ नमस्ते जी पहचान नहीं पाया आपको मैं इंट्रोडक्शन करा भाई मुझे कहाँ पहचानेंगे पहचान नहीं दिखा ही कम आपको तो कम दिखा और मैं दिखा फिर भी नहीं पहचान रहा है हमें पता ही नहीं हम लापता है समझ तो बता दे, बता दे। नहीं ये भाई पहचान कहाँ से बता मामा ये पहचान कहाँ से करने जाती है क्या
देखा होगा कोई हमें पता नहीं। यो राधे श्याम का लड़का जी ये ध्यान तो उन्हें सौरों का खूब जाना है घनश्याम को राधे श्याम इसका तो नहीं हमें पता। हाँ हाँ ये बड़े वाला अब बताओ कौन लापता है आप तो नहीं हो हम ही है सारा पता है इनको तो सारा पता है भाई। हमारे बड़े बुजुर्गों को ऐसे ही एनसाइक्लोपीडिया नहीं कहा जाता, उन्हें सबका पता है, उन्हें सबके बारे में पता है। यहाँ ये एपिसोड ख़त्म होता है, अगले एपिसोड में हम जल्दी मिलेंगे। बने रहिए मेरे साथ, मैं हूँ कैंपिंग ट्रैवलर इंडिया